हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारी ब्लॉग चाय से शुरू हो रही है, तो हमने चाय बना के सबके लिए दे दी। और उससे पहले हमने पूजा कर ली थी, अब हम बना रहे हैं दाल। तो दाल को हमने अदन हो गया था तो उसमें डाल दी है। तो सबसे पहले हमारी दाल बन जाए। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो सुबह का जो भी क्लीनिंग वगैरह थी, खाना माना सब कुछ हो गया है और अब दोपहर का समय है। तो सुबह नाश्ते में थोड़ा सा ही बनाया था, सबने खा लिया। और फिर हमने ये रख दिया दाल के लिए अदन, और अदन होकर इसमें हमने दाल भी डाल दी है। जब तक दाल उबलती है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो वीडियो बनी रहिए और वीडियो पूरा देखिए। तो हमारे हम बार बार चेक करके देख रहे हैं कि दाल उबली है कि नहीं। तो ये हम बना रहे हैं मटर की दाल, जो खाने में बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगती है। तो मटर सूख जाने के बाद इसको हम चक्की में धर के, जो वीडियो बनाए हैं किस तरह धर रहे थे, उसको फटक कर फिर हम इसकी दाल बनाएंगे। कोई तुअर की दाल बनाते हैं, लेकिन मटर की भी दाल बना के खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारी दाल बन चुकी है। तो इससे पहले हम दो चार हिस्सा कर लेते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी पास में हैं तो वो भी परेशान कर रहे थे। तो हम दो चार हिस्सा उठा के उनके लिए फ्राई कर दे रहे हैं कि ताकि वो बेल रहें और खाते रहें और हमारा काम आसानी से हो जाए। और इसलिए हमने बच्चों के लिए खिचले भी पापड़ तल के दे दिए हैं। यहाँ पर हमने अपनी दाल को एक डेगची में निकाल के रख दिया था, क्योंकि दाल को भी छौंकना है। तो और क्योंकि सुबह का जो भी काम था वो तो हमारा हो ही चुका था, और ये हमारी दोपहर में है, क्योंकि आंगन में बहुत सारी धूप आ जाती है, चूल्हा पे नहीं हो पाता है। या तो सुबह जल्दी बना लो तो ठीक है, थोड़ा भी टाइम हो जाता है। गर्मियों का मौसम है तो धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो चूल्हा पर नहीं बना पाते हैं। तो सुबह आलू की सब्ज़ी बना दी थी माँ जी ने, तो सबको खा ली थी। सो हमने सोचा कि दोपहर को दाल चावल बना देते हैं, तो इसलिए हमने दाल चावल बना दिए हैं। मशीन पर ही बनाए, लाइट वाली मशीन होती है, इस पर स्टील का बर्तन चलता है और किसी का बर्तन नहीं चलता है। इसलिए हमने इसलिए भगवानी में बनानी पड़ रही है, क्योंकि कुकर अभी है नहीं है। अभी लेने जाएंगे तब जाके हमारी दाल कुकर में बनेगी। तो स्टील को मैं भगवानी में बना रहे हैं, काफ़ी समय लग गया था, कम से कम आधा घंटा दाल को बनने में लग गया था। कुकर में बनाओ तो जल्दी से दाल बन जाती है। तो हमने दाल को भी छौंक दिया है और इसको थोड़ा हम उबलने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसका पानी, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया जिससे सैली हो जाए और इससे सब जनों के लिए हो जाएगी। और तो दाल बनने के बाद देखो हमारी दाल खुल गई है, अच्छे से खोल गई है। तो हमने इसमें खोलते हुए हरा धनिया डाल दिया है, जो दाल में काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। और इसके साथ ही हमने चावल रख दिए थे बनने के लिए, तो लाइट चली गई तो चावल मध्य यहाँ से ऐसे उबल गए, थोड़े से कच्चे रह गए थे। तो इसको हमने फिर से लाइट आ गई थी तो वे अच्छे से बन गए थे। और ये हो गया हमारा शाम का टाइम, शाम के 4 बज रहे हैं। तो शाम को 4 बजे से ही काम में लग जाओ तब जाके रात के 8 बजे तक हम फ्री हो पाते हैं। काफ़ी सारा काम रहता है, सारी जगहों पर झाड़ू लगाना इतना भी आसान नहीं होता है, और एक एक करके सारे कमरों में झाड़ू लगाना। हम बहुत ही कमरा अपना ही कमरे को दिखाते हैं और एक दो कमरा और दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने सारे कमरों में झाड़ू लगा लेते हैं। तो हमने सारे कमरे को अच्छे से साफ कर लिया था, क्योंकि इसे हमने खाना भी बनाया तो काफ़ी सारा फैल गया था, तो हमने वो भी साफ़ किया। और बेडशीट को भी हमने बदल दिया है, क्योंकि वो तो गंदी हो गई थी, इसलिए हम कल उसको धुल कर डालेंगे, इसलिए बेडशीट को हमने चेंज कर दिया है। और हम अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं सारे। और शाम को इतना कचरा निकलता है, और सबसे ज़्यादा कचरा तो बच्चे ही करते हैं,
और जिस घर में बच्चे हों तो वहाँ का तो कुछ पूछो ही मत, कितना बुरा हाल होता है घर मकान का। कुछ भी चीज़ अच्छी एक जगह पर रहती नहीं है और अपन रख दो भी तो बच्चे उठाकर उसको फेंक देते हैं, और बच्चे तो बचते होते हैं ना समझ, वो क्या जाने कि क्या चीज़ से क्या होता है, उन्हें तो बस खेलने से मतलब होता है। और ये हमारे कमरे में झाड़ू लग चुकी है, इस कचरे को भर कर हम बाहर फेंक देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारा खाना बिल्कुल तैयार है, जो चावल हमने फ्राई कर दिए थे, दाल बाटी भी बना दी थी, तो आप लोग भी खा लिए, आप लोग भी खा लिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।